नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हैन आप सबै लोकको मेरो च्यानलमा स्वागत है आजका मेरो स्पेशल भैंसीको मासु यो भैंसीको मासु चाहिँ नि मुटु कलेजो अनि जिब्रो ओन्ली फ्राई है दोस्तों ये भैंसका मासु है ए डिल कलेजी और जिब और ये गुन्द्रुकको झोल ल साथीहरु आज चाहिँ एकदम जाडो भन्नाले साथी भन्नाले अब सबै साथी भन्नु ताई भाई दिदी बहिनी सबै यो चाहिँ स्पेशल गुन्द्रुकको झोल है आज मैले एकदम सिम्पल गुन्द्रुकको झोल अनि भैंसीको फ्राई मात्रै है त दोस्तों नेपालका गुन्द्रुक है गुन्द्रुकको मतलब जस्तो सागका कैसे मेरे को पता नहीं हो कैसे बनाता है थोड़ा उसका मेथड उसका तरीका हमें पता नहीं वो बनाने का चलिए ढिलो नगरी के शुरू करता है तातो आज के छे मेरे एकदम फर्स्ट मिठो वहा अनि मोटो कलेज जिब्रो त यस्तो दामी के कमाउलो बहुत गरम सरी गाइज झ्याल बन्द गर्न बिर्सेछ अनि यस्तो बाहिरबाट अलिक डिस्टर्ब भएछ ला र फेरि झ्याल बन्द गरेँ कि माफी चाहन्छु
तातो मिठो ल यो जाडोमा मजा छुट्टै छ मुलुकको अलिकति ढो हुन्छ नि सरी अलिकति कम भयो क्या सरी टाउको छैन टक्टर टुटुक गर्छ सारी गाइस मैंने पहले लेके बैठना पड़ता था ज़्यादा लेकिन थोड़ा अड़कल अड़कलाइजेशन नहीं हुआ माफी चाहता हूँ। ये नेपाल का मैंने पहले भी बताया राष्ट्रीय खाना नेशनल फूड है गुन्द्रुक। इसके साथ भटमास भी आता है। आज मैंने आलू के साथ बनाया मीठो आप लोग को लगेगा ठंडी मौसम में फिर कपड़ा भी ज़्यादा नहीं पहनते हैं टी शर्ट पहन के पहनते हैं ऐसा आप लोग सोच सकते हैं लेकिन पूरा खिड़की दरवाज़ा सब बंद करेगा तो और थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं हीटर भी चलाता हूँ और खाना भी गर्म होता है फिर खाना गर्म होगा तो फिर बाद में थोड़ा समस्या खड़ा करता है इसलिए मैंने ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनता। सुपर मीठा मीठो मीठो you
मिठो आप लोग प्लीज जिधर्सी भी होगा वीडियो को सबसे पहले चैनल को पहले सबसे सब्सक्राइब कर देना, जो नया है वो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पूरा देख लेना और लाइक शेयर कमेंट कर देना और बार बार एक ही सवाल आप किधर से तपाईँ कहाँबाट नेपालबाट इन्डियाबाट भन्न सोधिनु भयो। मैं नेपालका लड्का हुँ, अभी मैं दिल्ली एनसीआरमा रहता हूँ। भिडियो को पूरा देख लेना, स्किप मत करना, एड को भी थोड़ा देख लेना, भिडियो को जितना सके उतना शेयर कर देना, लाइक कमेंट कर देना। थैंक्स फर वॉचिंग, बाय बाय।